हरियाणा विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी हैट्रिक विजय पर दिल्ली बीजेपी मुख्य कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कर्मी को संबोधित करते अवसर में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रमुख उपस्थित रही। प्रथम जेपी नड्डा निज अभिभाषण में कही प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में हरियाणा में विजय हासिल हो जम्मू काश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वोट प्रतिशत वृद्धि पाई मिछ कर प्रचार कर लोकों नापसंद कर प्रधानमंत्री निज संबोधन में कहते हरियाणा में लगातार तृतीय थर लगी बीजेपी विजय होती जाति और वर्ग लोक मैंने आमको भोट देते सहित पीएम आहरी जम्मू काश्मीर शांतिपूर्ण निर्वाचन होती गणतंत्र विजय बीजेपी कांग्रेस कुशासन मुक्ति बहु राज्य में बारंबार लोके बीजेपी को सुजोग देउछन्ति बीजेपी सरकार को लोके दीर्घ समय धरी समर्थन देउछन्ति सहित मोदी कांग्रेस को जोरदार टारगेट करछन्ति कछने कांग्रेस अन्य मानक सहारा रे निर्वाचन लड़ुची कांग्रेस को सहयोग करथवा दलक नौका बुल जाउछि ए निर्वाचन प्रमाणित करछि जे कांग्रेस एक परजीवी पार्टी मोदी जी विकास कर कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।